आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे आप लोग ऑनलाइन जो है सिम कार्ड को ले सकते हो, जी हाँ दोस्तों परचेज कर सकते हो, वो भी होम डिलीवरी होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग 2 घंटे के अंदर जियो हो या फिर वोडाफोन हो, आइडिया हो, बीएसएनएल हो, कोई भी सिम कार्ड हो दोस्तों, आप लोग इंडिया में जो है आप 2 घंटे के अंदर होम डिलीवरी ले सकते हो। या फिर आपका प्रीपेड सिम कार्ड हो, या फिर पोस्टपेड सिम कार्ड हो, या फिर फैंसी सिम कार्ड हो, या फिर आप जो भी पोर्ट करवाना चाहते हो अपने सिम कार्ड को दोस्तों, तो आप पोर्ट भी करवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पोर्ट करवाने के लिए भी आपको 3 दिन लगेगा, बट आपको सिम कार्ड परचेज करने के लिए जो है 2 घंटे के अंदर जो है सिम कार्ड को परचेज कर सकते हो दोस्तों। आप ऑनलाइन सिम कार्ड को परचेज कर सकते हो, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव बताऊंगा कि आप सिम कार्ड को कैसे खरीद सकते हो, और आप लोग अपना टाइम को बचा सकते हो, अपने एनर्जी को जो है दुकान पे जाने से भी बचा सकते हो आजकल इन फीलिंग के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग को लाइव बताऊंगा दोस्तों, और आप लोग को जो होम डिलीवरी जो है दोस्तों आपको सिम कार्ड का वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है होम डिलीवरी के लिए, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप ऑनलाइन अगर बुक करते हो और आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे दोस्तों, तो अभी ऑफर भी चल रहा है जो कि 50% कैशबैक का ऑफर है दोस्तों, तो आप लोग ये भी बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए बिना समय गवाए हुए देखते हैं कैसे आप लोग जो है सिम कार्ड को परचेज कर सकते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, 10digi.com का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप लोग जो है एक्सेस कर सकते हो, या फिर अपने क्रोम ब्राउजर में गूगल पे जाके आप 10digi.com लिख के भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप बाय सिम कार्ड ऑनलाइन लिख के भी सर्च कर सकते हो। तो वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाने के बाद आपको 10digi.com का वेबसाइट ओपन करना है, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, बहुत सारे जो है ऑफिशियल यहाँ पे आपको सिटीज मिल जाएंगे जहाँ पे कि आपको होम डिलीवरी सिम कार्ड डिलीवरी किया जाता है जो कि 2 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि बाय प्रीपेड सिम कार्ड आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप बाय पोस्ट पेड, या फिर आप जो है फैंसी नंबर या नंबर को आप पोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है बाय प्रीपेड सिम कार्ड यहाँ पे सबसे पहले इसमें आना है, और उसके बाद यहाँ पे आप नया सिम कार्ड लेना चाहते हो तो आप अपने साथ आइडिया, बीएसएनएल, फिर जियो वगैरह आप ले सकते हैं पॉपुलर। तो यहाँ पे हम जियो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है हमें वोडाफोन पसंद है, तो चलिए हम वोडाफोन को एक क्लिक कर लेते हैं सिंपली अपने अनुसार। तो यहाँ पे आप जो है बहुत सारे पॉपुलर प्लान आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आप अपने अनुसार पॉपुलर प्लान ले सकते हैं, जैसे कि डिलीवरी फ्री है ये दोस्तों, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैलिडिटी प्लान की जो है 28 दिन की है, तो आप अपने अनुसार इसको 2 GB और आपकी वैलिडिटी ले सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर फिल करना है आपको सिंपली, तो चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इंटर करना होगा आपके पिन कोड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लिए डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं, तो यहाँ पे हमारे पिन कोड पे जो है डिलीवरी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप जो है सिंपली एक डॉक्यूमेंट्स चेक करना होगा, तो यहाँ पे आपको जो है किस डेट को जो है डिलीवरी लेना है वो सिलेक्ट करना है, किस टाइम में आपको डिलीवरी लेना है वो टाइम स्लॉट यहाँ पे बुक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, आपको आधार कार्ड यहाँ पे जो कि आपके KYC के टाइम आएंगे, तो यहाँ पे आपको जो है सब्सक्रिप्शन जो है अदर सैमरी अगर है आपके कूपन कोड है तो आप वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो है दोस्तों डिलीवरी हो जाएगा, और आपको KYC के थ्रू वेरिफिकेशन हो जाएगा सिंपली, वो डिलीवरी बॉय आएंगे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। यहाँ पे 50% अभी कैशबैक ऑफर भी चल रहा है जैसे कि देख रहे हैं पेटीएम से, तो आप पेटीएम के थ्रू अगर आप इसको लेंगे तो आपको जो होंगे वो 50% कैशबैक देंगे। तो यहाँ पे आप जो है सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें बाय पोस्टपेड सिम कार्ड की, तो बाय पोस्टपेड सिम कार्ड को भी आप पढ़ सकते हो उसी तरह से, जैसे कि यहाँ पे आपको बाय पोस्ट कार्ड पे जो है एयरटेल वोडाफोन जो भी आप सिम लेना वो सिम कार्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है पोस्ट सिम कार्ड में ये बेनिफिट होता है कि आप यहाँ पे पहले अपना डाटा यूज करते हैं, अपना कॉल यूज करते हैं, उसके बाद आपको जो है मंथली इंस्टॉलमेंट बाद में देना पड़ता है वो आपके चार्जेस। और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट्स होता है कि यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन प्लान भी नेटफ्लिक्स वगैरह का फ्री में मिल जाता है, और आपको जो अगर जैसे कि 2 GB डाटा आप इस महीने का नहीं यूज किया है, जैसे कि 5 GB मिलता है और आप 2 GB जैसे यूज नहीं किया तो आपको अगले महीने में ट्रांसफर हो जाता है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे टाइम स्लॉट वगैरह बुक करना है, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, और आपको यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है, आपको जो है वो सिम कार्ड आपका डिलीवरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पोर्ट कराना चाहते हैं आप किसी भी नंबर को, तो यहाँ पे आप सिंपली पोर्ट के ऑप्शंस पे जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर जैसे कि मेरा जियो है तो हम जियो को जैसे एयरटेल में करना चाहते हो तो हमको एयरटेल क्लिक करना होगा, या फिर हमको एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL है जैसे कि हमको जियो में इसको कन्वर्ट करना है, जैसे हमारा नेटवर्क जियो अच्छा खासा रहता है तो हम जियो पे क्लिक कर देंगे सिंपली। जो भी आप पोर्ट करना चाहते हैं, जिस कंपनी में जाना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा
सिंपली। तो यहाँ पे चलिए हम एक को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली जियो को ही सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे तो आप सारा कोई भी पोर्ट करवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्लान फिर से पॉपुलर लेना होगा, जो आप चाहते हैं वो प्लान आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली वही सारी प्रोसेस है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं सिंपली ये वाली प्लान पे। जैसे कि एक आपको ये बेनिफिट भी आ जाएगा दोस्तों पोर्ट कराने से पहले कि आपका जो भी आपके बैलेंस है दोस्तों, आपको प्रीपेड है तो आप उसको खत्म कर दीजिए, नहीं तो आपको जो पोर्ट कराने के बाद ये जो है बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। वो सारा बैलेंस जो होता है वो दोस्तों रिमेनिंग खत्म हो जाता है सारा कुछ। या फिर आपका पोस्ट कार्ड सिम है तो अगर आप बैलेंस बचा हुआ है तो वो सारा चीज, या फिर आपके कोई भी चीज बाकी है तो आप सारा पेमेंट्स कर दीजिए पोस्ट कार्ड के लिए, उसके बाद ही आपका पोर्ट होता है। या फिर आपको सैलरी यहाँ पे टाइम फिक्स करना होगा, डॉक्यूमेंट्स बुक करना है और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, जैसे कि आपका पोर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे पोर्ट के लिए एक यहाँ पे पोर्ट के लिए जो है ओटीपी जनरेट करना होगा पोर्ट कोड। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये दिखाई दे रहा है कि इस पर आपको पोर्ट करना है, सेलेक्ट मैसेज करना है, यहाँ पे सारा कुछ नंबर दिया हुआ है, इस पर आप लोगों को सिंपली डायल करके पोर्ट कोड जनरेट करना है और यहाँ पे आपको फिल कर देना है और आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है किस डेट को आप पोर्ट कोड जनरेट किए हैं और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, जिससे कि डिलीवरी जो आएंगे वो आपके सारा कुछ से लेके आएंगे, सिर्फ उसको केवाईसी करना होगा। तो यहाँ पे आप पोर्ट भी कर सकते हैं इसी गिवेन नंबर पे डिजिट पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें फैंसी नंबर की, तो आप फैंसी नंबर भी ले सकते हैं। जैसे आपके कोई भी कंपनी वगैरह स्कूल ऑफिस वगैरह के लिए आप फैंसी नंबर लेना चाहते हो ऑनलाइन, तो यहाँ पे आप फैंसी वगैरह भी लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फैंसी वगैरह नंबर सर्च करके भी अपने अनुसार, जैसे कि मेरा 4 पॉपुलर डिजिट नंबर यहाँ पे जो लकी नंबर है 4 लकी नंबर यहाँ पे हम लिख देंगे और सर्च कर देंगे, जो अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सो दोस्तों आप लोग जो है इसी तरह से प्रीपेड सिम कार्ड, पोस्टपेड सिम कार्ड या फिर आप जो है फैंसी नंबर या फिर अपना जो है सिम नंबर को जो है पोर्ट करवाना चाहते हैं दूसरे किसी कंपनी में चेंज करवाना चाहते हो तो इजी वे में पोर्ट कीजिए अपने सिम कार्ड को इसी तरह से। तो मिलते हैं इसी तरह से टैक्स रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं सूरज कुमार आपका दोस्त, जय हिंद, वंदे भारत।